देखिए ये सब तो समाज का प्यार है, आशीर्वाद है, सहयोग है। आज बाबा केवल महाराज जी के प्रांगण में आए हैं, हम लोग का कुल देवता है बाबा केवल महाराज, आज उसका पूजा है। इसमें हम लोग आए और देखे कि किस तरीके से हुजूम यहाँ पर उभरा, किस तरीके से आज कम से कम 25 किलोमीटर का रोड शो करते हुए बड़े संख्या में युवा आए हैं। और सबका एक आस्था विश्वास है कि जब सभी वर्ग के लोग बिहार के में अपने काम कर सकते, मुख्यमंत्री बन सकते, तो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं बन सकता। तो सबका प्यार है और आज सपना देख रहे, तो जो सपना देखते वही पूरा होता है। आज हम लोग सपना देखेंगे तो कल पूरा होगा, परसों होगा या तरसों होगा, कोई ना कोई निषाद का बेटा तो बिहार का मुख्यमंत्री। आपकी स्थिति कम्प्लीट नहीं हो पा रही है सर, मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रही है महागठबंधन की एनडीए। देखिये ये स्थिति का, हमारी लड़ाई जो है वो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारा अधिकार जो दे देगा उनके साथ हम लोग जाएंगे। जब पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पे चुनाव आएगा, तो समय चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो जरूरी है चुनाव में, तो अगले साल अभी टाइम है 10 महीने का। अभी हम पूरे संगठन पे, पूरे प्रदेश में संगठन मजबूत करने में लगे, अपने लोगों के बीच में जा रहे, अपनी बात को रख रहे, और समय आएगा तो हम किसी न किसी दल के साथ। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है सर, ये इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये जो हुआ है, इस अब न्यायपालिका पे मैं ज़्यादा उंगली तो उठाऊंगा नहीं, लेकिन ये जो हुआ इस पे से मैं सहमति नहीं हूँ, क्योंकि इस तरीके से मैक्सिमम सजा हुआ है, फिर अपने विपक्ष को आपने दूर कर दिया है, तो ये सब देश में लोकतंत्र में सही नहीं है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, और कहीं ना कहीं उनको माफ़ करना चाहिए या कम सजा होना चाहिए था। और चलिए वो एक तो प्रक्रिया, चलिए न्यायपालिका में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो जो हुआ वो हुआ, उसके बाद आप क्या करें। आनंद फानंद में आप उनका सदस्यता रद्द करा दिए, आप उनके पास 1 महीने का समय है, ऊपरी अदालत जाएगा, वहाँ से जो निर्णय होगा उस निर्णय को फिर आप पालन करते। आपने वो सदस्यता रद्द कर दी, उसके बाद आपने उनको घर से खाली करा दिए, तो ये सही नहीं है। और इसके लिए तो भाई उनकी पार्टी वो सोच रहे हैं, अभी हम लोग तो अपनी पार्टी के बारे में, अपने दल के लिए सोच रहे हैं, अपने दल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। समय आएगा, हमारा आरक्षण मुद्दा है, आरक्षण जो ठोस निर्णय लेगा, आरक्षण जो देंगे उनके साथ हम लोग जाएंगे, वरना हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। 25 जुलाई से आप यात्रा पे निकल रहे हैं, क्या संदेश रहेगा जनता के बीच में? संदेश यही कि जो अभी आपके सामने बात को रखा, यही बात को सबके बीच में जाके रखेंगे और मजबूती से अपने पैर पे खड़ा होने के लिए करेंगे। अभी 25 जुलाई से यात्रा। नहीं सर, स्टेट वाइज आरक्षण की आपने बात की है कि महिलाओं को बंगाल में मिल रहा, तो बिहार में क्यों नहीं आवाज उठाता सर? बिहार में मुख्यमंत्री से आपका अच्छे संबंध है? नहीं देखिए, ये आरक्षण जो है हम लोगों ने बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अनुशंसा करा के केंद्र में भेज चुका है। अभी केंद्र सरकार को करना है, क्योंकि SC ST आरक्षण जो है वो केंद्र सरकार को ही अनुशंसा करना होता है, और इसके लिए राज्य सरकार ने 2015 में ही हम लोगों ने आंदोलन किया, बिहार से भेजा गया है। अभी केंद्र सरकार को सोचना है, क्योंकि हमारे समाज को बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्य में नहीं मिल रहा, बिहार में नहीं मिल रहा, झारखंड में नहीं। जो भी यहाँ पूजा करने के लिए लोग आया है, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और यही कह करके मैं अपने बात को समाप्त कर रहा हूँ। जय जय। सब आदमी से, सभी को इससे हम अपने प्रार्थना करते हैं, जो शांति रूप से मेला को सफल बना।